सरस्वती पूजा हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। सरस्वती पूजा के दिन ही वसंत पंचमी का उत्सव होता है। सरस्वती पूजा पर स्कूलों में ज्ञान की देवी माँ शारदा की विधि विधान से आराधना की जाती है। इस साल सरस्वती पूजा के दिन रवि योग और रेवती नक्षत्र है। ये दोनों ही शुभ कार्यों के लिए अच्छे माने जाते हैं। आपको बता दें कि सरस्वती पूजा 14 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन कई दुर्लभ योग का भी निर्माण होने जा रहा है, जिससे इस पूजा का महत्व बढ़ जाता है। तो आइए देवघर के ज्योतिष आचार्य से जानते हैं कि सरस्वती पूजा के दिन क्या खास योग बनने जा रहा है और इससे किन राशि जातक वाले छात्रों को माता सरस्वती की विशेष कृपा मिलने वाली है। आचार्य जी, 14 फरवरी को सरस्वती पूजा मनाया जाएगा और हर एक पूजा त्यौहार में कई दुर्लभ संयोग बनते हैं। इस सरस्वती पूजा के दिन क्या दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं और इससे किन राशियों के ऊपर माँ सरस्वती की विशेष कृपा बरसने वाली है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। इस बार जो 14 फरवरी को सरस्वती पूजा हो रहा है, उस दिन रेवती नक्षत्र पंचमी तिथि बुधवार का संयोग, बहुत दिनों के बाद ऐसा संयोग मिल रहा है, क्योंकि सरस्वती पूजा यदि बुधवार को हो तो यह संयोग बहुत दुर्लभ होता है। इस बार जो माँ सरस्वती की पूजा होगी, रेवती नक्षत्र के साथ शुक्ल योग है, जिससे अब उस दिन अभूज मुहूर्त भी है, तो कोई भी कार्य करने के लिए ऐसे सिद्धि योग लोग खोजते हैं। तो उस दिन जो अमृत सिद्धि योग, रवि योग जो बन रहा है, इससे माँ सरस्वती की कृपा तीन राशि पर विशेष रूप से पड़ने जा रही है। माँ सरस्वती तीन राशि वालों के ऊपर ऐसे सिद्धि योग में, जो कि बहुत दिनों के बाद ऐसा संयोग मिला है, तीन राशि वालों के ऊपर सरस्वती माँ कृपा बरसाएगी। तो माँ सरस्वती जो है वो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, बागेश्वरी जी हैं, तो वो कृपा क्या बरसाएंगे? जो विद्यार्थी तीन राशि वाले पढ़ने में जिनको मन नहीं लगता है, वैसी उनके ऊपर कृपा होगी सरस्वती का, यदि मन से सरस्वती की पूजा उस दिन कर लें, तो तीन राशि कर्क, कन्या और तुला, ये तीन राशि वालों का यदि पढ़ाई में बाधा पहुंच रही हो, तो उस दिन माँ सरस्वती की कृपा से उनका सारे बाधाएं दूर हो जाएगी और पढ़ने में भी मन लगेगा, उनको सकारात्मक ऊर्जा अंदर से माँ सरस्वती की कृपा महसूस होगा और ऐसा लगेगा कि माँ सरस्वती कृपा कर रही हैं। तो ऐसे दुर्लभ संयोग में कोशिश करें ये तीन राशि वाले विशेष रूप से माँ सरस्वती की पूजा अर्चना में भाग लें और पूजन करके अपने भाग्य को सुधारें।